हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूवर्स, आज की टैरो कार्ड रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे इस वक्त आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या कुछ चल रहा है इस पर्सन के दिल में, दिमाग में आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। ओके बस, तो सारी चीज़ें देखने की कोशिश करेंगे, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, उनके थॉट्स, उनके इंटेंशंस, उनकी ट्रू डीपेस्ट फीलिंग्स देखने की कोशिश करेंगे। तो ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, सभी जोडिक साइंस के लिए है, मेल फीमेल सब देख सकते हैं, मैरिड अनमैरिड भी देख सकते हैं। इस रीडिंग को आप अपने क्रश के लिए देख सकते हैं, हस्बैंड वाइफ के लिए देख सकते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए देखी जा सकती है, या फिर कोई भी एक ऐसा इंसान जिसके बारे में आप सोचते रहते हैं, उस इंसान को मिस करते हैं, उस इंसान से अगर आपका अभी भी रिश्ता है या फिर नहीं भी है, कोई इंसान आपका एक्स है या फिर प्रेजेंट पार्टनर है, तो आप उस इंसान को अपने मन में रख कर भी देख सकते हैं। बस आपको रीडिंग के दौरान उस इंसान को विजुलाइज करते रहना है और इस इंसान के लिए पॉजिटिव बने रहना है। ओके बस, तो करते हैं रीडिंग स्टार्ट। कार्ड्स बहुत इंटरेस्टिंग आए हैं और जो कार्ड्स हमारे पास आए हैं वो हैं फाइव ऑफ वांड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ वांड्स, किंग ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स एंड फाइव ऑफ कप्स। ओके, तो यहाँ पर एक ऐसे पर्सन की एनर्जी नज़र आ रही है जो इंसान बहुत ज़्यादा परेशान और असहाय सा महसूस कर रहे हैं। इस पर्सन के दिल में, दिमाग में कुछ फाइट्स सी चल रही हैं, किसी बात को लेकर ये पर्सन किसी डिसीजन पर नहीं पहुंच पा रहे और आपको एक ऐसे रूप में देख रहे हैं जहाँ पर आप लग्जीरियस लाइफ जी रहे हैं, यानी कि आपके जीवन में इस वक्त इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि खुशियों की कमी नहीं है, आप इस पर्सन के बिना भी काफ़ी हैप्पी और खुश हैं। तो ये पर्सन आपको इस रूप में देख रहा है जहाँ पर आपके जीवन में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं, आप जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, आप हैप्पी हैं, खुश हैं, चाहे ये पर्सन आपके साथ हैं तब भी और नहीं भी हैं तो भी आप एक मस्त मौला मस्त ज़िंदगी जी रहे हैं। और ख़ासकर जब से इस पर्सन से आपकी कुछ फाइट्स हुई हैं, तो यहाँ पर फाइव ऑफ वांड्स एंड नाइन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि पास्ट में इस पर्सन से आपकी फ़ाइट हुई है, ये पर्सन आपके अगेंस्ट जाने की कोशिश कर रहे थे, आपने इस पर्सन को रोकने की कोशिश की पर ये पर्सन नहीं माने। ऐसा लग रहा है कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर थी तो आपने इस पर्सन को उस सिचुएशन से निकलने के लिए हेल्प की और आप चाहते थे कि ये पर्सन थर्ड पार्टी को छोड़कर आपके हो जाएं। आपने इस पर्सन के लिए बहुत सैक्रिफाइस किया, खुद को निखारने की, खुद को बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल स्मार्ट और इस पर्सन की मर्ज़ी के मुताबिक खुद को ढालने की कोशिश की, अपने व्यवहार में बहुत सारा चेंजेस लाए आप, पर ये पर्सन उसके बावजूद भी आपके नहीं हो सके, इसलिए आपने फैसला किया शायद इस पर्सन से पूरी तरह से अलग होने का। आप दोनों के बीच ये अगर नो कॉन्टैक्ट बना हुआ है तो वो इसीलिए बना हुआ है क्योंकि ये पर्सन थर्ड पार्टी को छोड़ नहीं पाया, आपकी बात को मान नहीं पाया और आपको वो प्यार, वो रिस्पेक्ट और वो सम्मान नहीं दे पाया जिसके आप हकदार थे। इसलिए आप इस वक्त पूरी तरह से मुतमईन नज़र आ रहे हैं, आप शांति का अनुभव कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन के साथ जिस तरह की ज़िंदगी थी उससे तो बेहतर ज़िंदगी अब आप जी रहे हैं। तो आपकी लाइफ में किसी चीज़ की कोई कमी इसलिए भी नहीं है क्योंकि आप संतुष्ट हैं अपने जीवन से, अपने आप से, अपनी थिंकिंग से और जिस तरह से आपने फैसला किया है उस फैसले से आप खुश नज़र आ रहे हैं। तो इसलिए ये खुशी और ये आपका मुतमईन अंदाज इस पर्सन को काफ़ी बौखला चुका है। तो ये पर्सन बौखलाहट में ना हर एक से फाइट कर रहे हैं और कन्फ्यूज़न इस पर्सन के जीवन में इसलिए है क्योंकि ये पर्सन एक फैसला नहीं ले पाते हैं। ये पर्सन एक ऐसा इमोशनल किस्म का इंसान है कि इमोशन से बहकर ही ज़्यादातर फैसले लेते हैं, दिमाग की कम दिल की ज़्यादा सुनता है ये पर्सन। इस पर्सन का दिल अगर थर्ड पार्टी पे आ गया था तो इस पर्सन ने वहीं पर टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया, आपको जैसे कि बुला दिया था और अब इस पर्सन के सामने जब हकीकत आई है ना तो अब ये पर्सन बहुत ज़्यादा बौखला से गए हैं और ये बौखलाहट यहाँ पर सेवन ऑफ वांड्स के कार्ड में नज़र भी आ रही है। पर्सन अब कंफ्यूज हो गए हैं, अपने ही लिए गए फैसलों पर पछता रहे हैं और ये पछतावा इस पर्सन को किसी फैसले पर पहुंचने नहीं दे रहा। और अब यहाँ पर हमारे पास जो नेक्स्ट कार्ड है ना, सेवन ऑफ वांड्स के साथ साथ हमारे पास किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, तो ये पर्सन अब ऐसा महसूस कर रहे हैं कि इस पर्सन के दिल में तो प्यार आपके लिए था, थोड़ी देर के लिए ये पर्सन भटक गया था, अपना रास्ता भूल गया था, ये एक ऐसी डायरेक्शन पर निकल पड़े थे जहाँ पर इस पर्सन को कभी नहीं चलना था, फिर भी अपने दिल के हाथों मजबूर होकर इस पर्सन ने एक गलत और रॉन्ग डिसीज़न
लिया आपसे दूर जाने का डिसीजन, इसीलिए अब ये पर्सन तड़प रहा है आपके साथ एक नई शुरुआत करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ कप्स के साथ साथ हमारे पास एस ऑफ कप्स का कार्ड है। एक नई शुरुआत को बता रहा है, इस पर्सन के इमोशंस को बता रहा है, कितना डीप लेवल पर ये पर्सन आपके बारे में सोचने लगे हैं और आपको भी ये पर्सन एक ऐसे रूप में ही देखने लगे हैं जिसके मन में बहुत ज़्यादा प्यार है, फीलिंग्स हैं, पर अब आप छुपा कर रखते हैं अपनी फीलिंग्स को, शो नहीं करते। तो ये पर्सन ये जो तड़प और बेचैनी महसूस कर रहे हैं आप फाइव ऑफ कप्स के कार्ड में भी देख सकते हैं। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि तड़प तो ये पर्सन रहा है, आप तो मुतमईन है, अपने जीवन में शांति का अनुभव कर रहे हैं, जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, और ये जो लग्जीरियस लाइफ जी रहे हैं वो किसकी वजह से है, तो ये पर्सन खोजबीन में भी नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अब आपके लिए जो प्यार महसूस कर रहे हैं, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि शायद आपके जीवन में कोई और प्यार लेकर आया है, इसलिए आप मुतमईन नज़र आ रहे हैं और खुश हैं। तो ये पर्सन आपकी खुशी देखकर थोड़ा सा जेलसी फील भी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास फाइव ऑफ कप्स का कार्ड इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि इस पर्सन को जेलसी हो रही है, ये पर्सन अकेला फील कर रहे हैं। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन के जीवन में तो कुछ भी नहीं बचा, ना आप और ना ही थर्ड पार्टी इस वक्त इस पर्सन का साथ निभा रही है। यहाँ पर उन दोनों के बीच फाइट चल रही है, ये चीज़ नज़र आ रही है, इसीलिए ये पर्सन इतना तनहा और अकेला फील कर रहे हैं और आपको एक ऐसे रूप में देख रहे हैं, नाइन ऑफ पेंटिकल्स के रूप में। तो ये पर्सन और भी ज़्यादा अंदर ही अंदर कुड़ते जा रहे हैं, एक घुटन सी महसूस कर रहे हैं। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपके जाने से ये पर्सन पूरी तरह से अकेले पड़ गए हैं। जो लोग इस पर्सन के साथ भी थे ना, वो भी इस पर्सन से दूरी बना चुके हैं। अब धीरे धीरे इस पर्सन को ये एहसास हो रहा है कि आपके होने से इस पर्सन की ज़िंदगी में खुशियाँ थीं और ये खुशियाँ रूठ गई हैं इस पर्सन से, और ये पर्सन अकेला और तन्हा हो गया है। और ये तन्हाई ही है जो इस पर्सन को आपकी इतनी ज़्यादा याद दिला रही है। ये पर्सन आपकी याद में तड़प रहे हैं, रो रहे हैं, ऐसा महसूस कर रहे हैं कि ये पर्सन इतने सारे लोगों के बीच में भी अकेला है। अब ये पर्सन इस कदर तन्हा महसूस कर रहा है ना कि घुटन इस पर्सन को हो रही है। इस माहौल से, इस डिप्रेशन से ये पर्सन निकलना चाहता है, तो जिस डिप्रेशन में धीरे धीरे ये पर्सन आधा जा रहा है, तो इस पर्सन के आंसुओं पर इस पर्सन का कंट्रोल नहीं। ये पर्सन बहुत रो रहा है, तड़प रहा है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपने इस पर्सन का क्या साथ छोड़ा, इस पर्सन की तो विरासत ही लुट गई है, यानी सब कुछ इस पर्सन ने हार दिया आपको हार कर, तो कोई और आपकी ज़िंदगी में आ चुका है और ये पर्सन अकेला रह चुका है। तो इस वक्त ये तड़प, ये बेचैनी, ये अकेलापन इस पर्सन को फील हो रहा है। अब इस पर्सन को महसूस हो रहा है कि इस पर्सन की जो ट्रू फीलिंग्स थी वो आप ही के लिए थी, इस पर्सन के मन में प्यार आप ही के लिए था। अगर ये पर्सन उस वक्त नहीं भटके होते, इस वक्त ये पर्सन आपके साथ होते, तो ये अकेलापन, ये तन्हाई इस पर्सन के जीवन का हिस्सा नहीं होती, बल्कि आपके साथ ये पर्सन खुश होता, आपके साथ एक अच्छी और खुशनुमा ज़िंदगी जी रहा होता। तो ये खुशियों का माहौल जो आपके आसपास नज़र आ रहा है इस पर्सन को, इसको ऐसा लग रहा है कि ये इस माहौल में खुद को एडजस्ट कर लेते आपके साथ में, अगर आप इस वक्त इस पर्सन के साथ होते। तो ऐसा ये पर्सन महसूस कर रहे हैं इस वक्त भी, इस पर्सन की ट्रू फीलिंग्स आपके लिए नज़र आ रही हैं, प्यार नज़र आ रहा है, अकेलापन नज़र आ रहा है, और इस पर्सन के मन में जो थॉट्स बार बार आ रहे हैं, जो विचार इस पर्सन को परेशान किए हुए हैं, वो यही है कि इस पर्सन ने आपके साथ अन्याय किया है और इस अन्याय को शायद आप भुला नहीं पा रहे, इसलिए अपने जीवन में आगे बढ़ते जा रहे हैं। ओके बस, तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें, ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप अपनी पसंद की वीडियो सबसे पहले देख पाएं। ओके बस, मैं मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। लव यू ऑल।